देखिए, आज मैं जा रही हूँ बनाने गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं ये वाले पैकेट ले ली हूँ। देखिए, यहाँ पर एक थाली ले ली है। अभी इसमें हम निकाल कर निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देंगे। इसमें आप गर्म पानी गुनगुना या दूध से गुड़ सकते हैं। ये हम दूध से तो करें, इसे हम मिला देंगे। यहाँ हम दूध से इसे, देखिए मैं एक बाउल में कप ले ली हूँ दूध। बहुत कम ही दूध लगता है। इसे हम इसी तरह तो मिला देंगे और इसे हाथों से बहुत मसल मसल कर इसे गूंथेंगे। ये चिकना नहीं बनेगा, फटने लगेगा। हम गूंथते हुए हाथ नहीं दिखा पाए हैं। आप देखिए, हाथों से खूब मसल मसल कर इसे गूंथिए, तभी आपके गुलाब जामुन अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इधर रखती है 10 मिनट के लिए और हम चलते हैं अब चाशनी बनाने के लिए। क्योंकि इधर भगोने में मेरे 1 लीटर पानी है, इसमें मैं 1/2 किलो चीनी डाली हूँ। ये बनकर हमारा तैयार हो गया है चाशनी। अब गैस पर हम कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। देखिए, इधर रख दिए हैं गर्म होने के लिए कढ़ाई। अब इसमें हम डालकर छानेंगे। इसे बनाते हुए नहीं देखा, इसी तरह आप गोल गोल बना लीजिए छोटा छोटा। देखिए, 2 मिनट हो गया है, कलर चेंज हो गया है इसका। कोई झंझट नहीं है, सिर्फ उसे जो अथू है इसका पाउडर, इसी को मसल कर आप गूंथना है, तब अच्छा बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम छान कर डाल दिए चाशनी में। अब इसे गर्म चाशनी में ही डालिए। अगर ठंडा हो जाए तो फिर थोड़ा सा गर्म कर डाल दीजिए। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसा बना है। ये एकदम अंदर तक घुस गया है इसका चाशनी। अब बिल्कुल 5 मिनट हुआ है इसे डालते हुए, देख लीजिए कितना सॉफ्ट बना है। आप भी इस होली पर इस तरीके से गुलाब जामुन जरूर बनाइए। अगर मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एडवांस में हैप्पी होली, कल है होली।